परक्विजिट. तो अलावंस और परक्विजिट में फर्क क्या होता है? अलावंस मतलब फिक्स्ड पर मंथ बॉस पैसा देता है, भले मेरा खर्चा हो या नहीं हो. सपोज मेरे को बॉस ने दिया 20,000 पर मंथ का मेडिकल अलाउंस, मुझे मेडिकल अलाउंस दिया. अब मैं पूरा साल बीमार नहीं पड़ा तो भी 20,000 मिलेगा, हर महीने बीमार पड़ा तो भी 20,000 मिलेगा. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस, बॉस मुझे एक फिक्स पर मंथ अमाउंट दे रहा है, उसको बोलेंगे अलाउंस. पर बॉस ने बोला तू जब बीमार पड़ेगा ना मुझे बोलना, तेरा ट्रीटमेंट मैं करूँगा, या तू बीमार पड़ेगा मुझे बोलना, तेरे सारे बिल्स मुझे बिल मुझे प्रोवाइड कर, मैं तुझे वो सारा पैसा दे दूंगा. इसको क्या बोलते हैं? परक्विजिट. तो एडिशनल मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है बाय कंसिडरिंग एक्चुअल खर्चा जितना हो रहा है उसको कंसिडर करके, अगर बॉस मुझे कुछ पेमेंट करेगा उसको बोलेंगे परक्विजिट. और अगर फिक्स पर मंथ, बाकी तेरे को जो करना है कर, तेरा 50,00,000 का खर्चा हो मेडिकल का मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे पर मंथ इतना दूंगा तो उतना दूंगा, तो उसको बोलेंगे अलाउंस. तो डिफरेंस समझा. अब परक्विजिट बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ने के लिए भी पढ़ाने के लिए भी, बट ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सिंपल, इस बोर्ड पे फिट हो गए. अब एक एक परक्विजिट हम लोग देखते हैं. अभी तो ये मैंने क्या लिखा है, दीज आर एडिशनल पर्सनल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस. मतलब जब खर्चा होता है उस टाइम पे बॉस दे रहा है, क्या करके, बाय कंसिडरिंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, एक्चुअल में कितना खर्चा हो रहा है वो कंसिडर करके बॉस मुझे जो पेमेंट करेगा उसको बोलेंगे परक्विजिट. तो परक्विजिट्स आर मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी. बॉस ने मेरे मुझे बिल रीइंबर्स कर लिया मॉनेटरी, बॉस ने मुझे कार यूज करने के लिए दे दी, इसको क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी. तो मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं. अलाउंसेस हमेशा मॉनेटरी होंगे क्योंकि वहाँ पे मुझे ओनली पैसा ही मिलता है, बट यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं. नेक्स्ट क्या दिया, परक्विजिट्स आर मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी. अब जो जो परक्विजिट्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और उतने ही लेवल तक पढ़ने वाले हैं जितने लेवल तक ग्रेजुएशन में चाहिए. इसके आगे डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर तुम लोग को जाननी है तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो, बट फिलहाल हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए चाहिए. फर्स्ट क्या है, मेडिकल बिल्स पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर. बॉस ने बोला भाई तू बीमार पड़ेगा, तेरा जो भी दवाई का बिल आएगा ना वो बिल मुझे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, या फिर बिल मुझे दे मैं पे कर दूंगा. पेड मतलब मैंने बॉस को बिल दिया, बिल बॉस ने पे कर दिया, इसको बोलेंगे पेड बाय एम्प्लॉयर. और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर मतलब मैं पहले बिल लूंगा, बिल पे करूंगा, बिल पे करने के बाद बिल जाके बॉस को दूंगा, बॉस मुझे बिल का अमाउंट देके पैसे दे देगा, इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट. और हमारे पेरेंट्स काफ़ी बार कुछ मेडिकल के बिल्स ऑफिस में सबमिट करते हैं, क्यों सबमिट करते हैं, उनको बॉस रीइंबर्समेंट देता है. ये मेरा एडिशनल बेनिफिट है, ये मुझे जॉब करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, जॉब करने के लिए तो मुझे सैलरी मिलेगी, ये एडिशनल बेनिफिट बॉस मुझे दे रहा है. अब सबसे पहले हमने क्या देखा, मेडिकल बिल्स पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर. इनकम टैक्स ने बोला भाई तेरा बॉस बहुत अच्छा है, बट ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं होनी चाहिए, लाड़ प्यार लिमिट में होनी चाहिए. तो लिमिट कितनी है, 15,000. अगर 15,000 तक लाड़ प्यार हो रहे तो चलेगा, 15,000 के आगे बॉस तेरे को पैसा दे रहा है, तेरे बिल्स रीइंबर्स करके दे रहा है, तो भाई ये लिमिट से ज़्यादा हो गया, अब नहीं चलेगा, अब टैक्स भरना पड़ेगा. मतलब बॉस ने अगर 12,000 का रीइंबर्समेंट दिया नो प्रॉब्लम, इनकम टैक्स बोलते ठीक है एंजॉय मजे करो, 14,000 का दिया एंजॉय मजे करो, 15,000 का दिया तो भी चलेगा, 20,000 का दिया तो इनकम टैक्स बोलते भाई अब ये लाड़ प्यार ज़्यादा हो रहा है, 15,000 तक चलेगा, 15 के आगे कितना एक्स्ट्रा दिया, 20,000, 5,000 एक्स्ट्रा दिया, 5,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट परक्विजिट हो गया. नेक्स्ट परक्विजिट जरा समझ लो, उन्होंने क्या बोला, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर. यहाँ पे क्या हो रहा था, दवाइयों के बिल में बॉस को दे रहा था, बॉस मुझे उसके पैसे दे रहा था, बट अब क्या हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो बॉस ने बोला ठीक है मैं खर्चा कर लूंगा, टेंशन मत ले मैं खर्चा कर लूंगा. अगर वो खर्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और बॉस ने खर्चा किया, या फिर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, हो सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं हो सकता, मतलब हॉस्पिटल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए उनका बॉस कौन होता है, हॉस्पिटल खुद है कि नहीं. तो अगर एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ और वो सारा खर्चा बॉस ने किया, इनकम टैक्स वाले बोले ठीक है चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, इतना तो एम्प्लॉयर का फर्ज बनता है कि भाई तेरा हॉस्पिटल है और तेरा एम्प्लॉयर अगर बीमार पड़ रहा है तेरा ट्रीटमेंट तो तूने करना चाहिए, तेरा खुद का हॉस्पिटल है. हाँ तो इस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट, इस केस में इनकम टैक्स वाले कोई टैक्स नहीं मांगेंगे. अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल भी नहीं है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है, वो किसी और हॉस्पिटल में करा रहा है, तो फिर इनकम टैक्स वाले ने बोला 15,000 तक एग्जेम्प्ट. अगर तेरा ट्रीटमेंट का खर्चा 15,000 तक है तो हम लोग टैक्स नहीं मांगेंगे, 15,000 से ज़्यादा है तो हम लोग टैक्स मांगेंगे. और तुम लोग को पता है 15,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दो दिन हॉस्पिटल में रह के आ जाओ 1,00,000 रुपये का बिल आ जाएगा. तो ये एग्जेम्प्ट अप टू 15,000, उसके आगे का टैक्सेबल. तो अगर 40,000 का बिल आया,
सपोज 40,000 का बिल आ गया, उसमें से 15,000 माइनस करेंगे, 15,000 पे टैक्स नहीं भरने का, बचे कितने 25,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सेकंड परक्विजिट, हर परक्विजिट के बारे में डिटेल में देखना है। पहला क्या आता, मेडिकल बिल्स पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर 15,000 तक एग्जेम्प, आगे का टैक्सेबल। मेडिकल ट्रीटमेंट उसने प्रोवाइड की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल तो चलेगा, तो टैक्स नहीं मांगेंगे, इसमें कुछ लाड़ प्यार नहीं, तो फर्ज है भाई तेरा। ये लाड़ प्यार है, तेरा खुद का हॉस्पिटल भी नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं है, तो किसी और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करा रहा है, तो 15,000 तक चलेगा, 15,000 के आगे टैक्सेबल। नेक्स्ट देखो क्या दिया, फ्री यूज ऑफ एसेट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने ना एसेट यूज करने के लिए दिया, क्या दिया, गाड़ी दी, घर दिया, बंगला दिया, बहुत कुछ, फर्नीचर दिया, फोन दिया, लैपटॉप दिया, बहुत कुछ दिया। अब मेरे साथ ऐसा होता था, जब मेरी आर्टिकलशिप चालू थी ना, तो मुझे मेरे बॉस ने लैपटॉप दिया था, मैं इतना खुश हो गया था, सारे फ्रेंड को दिखाया है, मेरे को बॉस ने लैपटॉप दिया यूज़ करने के लिए, फ्री में नहीं, तो मेरे बॉस ने मुझे लैपटॉप दिया यूज़ करने के लिए, घर पे दिखाया। फिर पता चला 2 दिन के बाद बॉस का फ़ोन आया शाम को 7 बजे, अरे ज़रा ये काम कंप्लीट करके कल सुबह लेके आना। अब मुझे समझा कि बॉस ने मुझे लैपटॉप क्यों दिया था, इसके लिए नहीं दिया था क्योंकि मैं बॉस का फेवरेट हूँ, इसके लिए दिया था क्योंकि मेरे से अब घर पर भी काम करवाएगा। अब इनकम टैक्स को ये बात मालूम है, कभी भी बॉस यूज़ करने के लिए लैपटॉप देगा, कंप्यूटर देगा, तो इसमें एम्प्लॉय का कुछ फायदा नहीं है, उल्टा एम्प्लॉय की तो बैंड बजने वाली है। फायदा किसका है, बॉस का। बॉस अब उसके उससे ऑफिस में भी काम करवाएगा, घर पे भी काम करवाएगा। मैंने इमीडिएटली 2-3 दिन घर पे काम किया, लैपटॉप जाके रख दिया, बोला नहीं नहीं सर मेरे को नहीं घर पे काम करने। इसका मतलब इनकम टैक्स को पता है अगर बॉस ने लैपटॉप दिया या कंप्यूटर दिया, इसमें बेनिफिट कुछ नहीं है, नुकसान ही है, तो इनकम टैक्स वाले टैक्स नहीं मांगेंगे। हाँ बट गाड़ी यूज़ करने दे दी, गाड़ी दी, घर दी, बंगला दिया, फर्नीचर दिया, मोबाइल दिया, बहुत कुछ दिया। अगर ऐसे कुछ भी एसेट बॉस अगर अपने को देगा, तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत भयानक तरीका है, बट वो भयानक तरीका अपने सिलेबस में नहीं है। अपने क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्विजिट कितना है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना होगा एज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया है वो अपने लिए टैक्सेबल। तो पता है कैसे होगा, फ्री यूज ऑफ कार बाय एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में देंगे टैक्सेबल वैल्यू 25,000, फ्री यूज ऑफ कार बाय एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में क्या दिया, टैक्सेबल वैल्यू 25,000। सो व्हाट इज टैक्सेबल अमाउंट, 25,000 डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये 25,000 कैसे आया, ये बहुत भयानक तरीका है जो अपने को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितने, 3 परक्विजिट हो गए। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या है, सर्वेंट सैलरी पेड रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर की। तो ना अच्छा बॉस से देखो, बॉस ने बोला भाई तू काम वाली रख ले, उसका पैसा भी मैं ही दे दूंगा, तो ये क्या हो गया, सर्वेंट सैलरी पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर। अब मेरा फायदा क्या हो रहा है, जो सैलरी मुझे पे करनी पड़ जाती थी, अब वो मैं नहीं पे करूंगा, वो कौन पे करेगा, बॉस पे करेगा। तो मेरा फायदा क्या हुआ, मेरी सेविंग हो गई, जो सैलरी मैं पे करने वाला था अब मैं पे नहीं करूंगा। सो व्हाट इज माय बेनिफिट, मेरा फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। समझा आगे के परक्विजिट, ठीक है। तो अगला परक्विजिट, अगला क्या है, यूटिलिटी बिल पेड रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर। हे भगवान, कितने पुण्य किए होंगे इस इंसान ने जो इसको ऐसा बॉस मिला। अब उसका बॉस देखो क्या क्या कर रहा है, बॉस बोलता है भाई तेरे यूटिलिटी बिल भी मैं ही पे करूंगा, टेलीफोन बिल, अदर बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, क्रेडिट कार्ड बिल, और क्रेडिट कार्ड बिल भी, मतलब बॉस बोलता है जा तेरे को जितनी शॉपिंग करनी है कर, मैं बिल पे कर दूंगा। वाह, बट ऐसा बॉस सबको नहीं मिलता, नसीब वालों को ही मिलता है, और उसी को मिलता है जिसके पापा उस कंपनी में MD है, ठीक है, तो ये सबको नहीं मिलने वाला। अब देखो क्या दिया, यूटिलिटी बिल अगर बॉस पे करता है या रीइंबर्स करता है, इनकम टैक्स ने बोला भाई टेलीफोन बिल्स रीइंबर्स कर रहा है ना, फुल्ली एग्जेम, टेलीफोन बिल रीइंबर्समेंट होगा या टेलीफोन बिल बॉस पे करेगा, हम लोग टैक्स नहीं लेंगे, बट बाकी कोई भी बिल पे करेगा तो क्या मेरा फायदा हो रहा है, मेरे घर का लाइट बिल मेरे बॉस ने पे किया, मेरा फायदा क्या हुआ, तो जो अमाउंट मुझे पे करने पड़ सकती थी अब मुझे पे नहीं करनी पड़ेगी, वो कौन पे करेगा, मेरा बॉस पे करेगा। सो व्हाट इज माय बेनिफिट, जो बिल अमाउंट बॉस ने पे किया दैट इज माय बेनिफिट। तो सिंपल चीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी बिल अगर बॉस ने पे किया तो जितना अमाउंट बॉस ने पे किया दैट इज माय टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नेक्स्ट है गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर। गिफ्ट याद आया, कुछ टाइम पहले हमने किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में गिफ्ट, उसमें क्या था, पहले था गिफ्ट, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, गिफ्ट में कैसा था, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर, फिर नेक्स्ट गिफ्ट बाय CCDC, कस्टमर, क्लाइंट, डेटर, क्रेडिटर, फिर IMUR चलो, और उसके बाद अदर, करेक्ट। तो नीचे के दो जो थे IMUR चलो और अदर, ये था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। CCDC से गिफ्ट मिलेगा टैक्सेबल अंडर बिजनेस, ये हम लोग करने वाले बिजनेस में, और गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर उस टाइम पे मैंने लिख के दिया था कि टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, बट ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग सैलरी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज वो पल आ चुका है, आज हम लोग पढ़ने वाले ये गिफ्ट जो हमने वहां पे एक बार सिर्फ देखा था। अब गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर क्या है, दिस इज माय एडिशनल पर्सनल बेनिफिट, बॉस ने मुझे गिफ्ट दे दिया। अब यहाँ पे अगर वो कैश में गिफ्ट देगा
फुल्ली टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल। उसने 10 रुपए का गिफ्ट दिया, 10 लाख का गिफ्ट दिया, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उसने काइंड में गिफ्ट दिया, बॉक्स में दिया, डब्बे में डाल के गिफ्ट दिया, हम देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी है। अगर उसकी वैल्यू 5000 तक है तो एग्जेम, अगर 5000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। और ये 5000 पता है क्या है, 5000 पर एनम, पूरे साल के गिफ्ट अगर 5000 पर एनम तक है तो फिर एग्जेम, और अगर 5000 पर एनम से ज्यादा है तो टैक्सेबल। अरे हर चीज पर एनम ही है, मैं चलो कर ही लेता हूं पर एनम, ये पूरे साल का 15000, क्योंकि सैलरी हम लोग पूरे साल की कैलकुलेट करते हैं, कोई भी इनकम पूरे साल का कैलकुलेट करता है, तो ये लिमिट भी पर एनम है। उसके आगे ये तो हो गया, उधर क्या बोला था, इन कैश फुल्ली टैक्सेबल, इन काइंड 5000 तक एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल इफ अबव 5000। मतलब क्या, अगर मुझे 3500 का फोन मिलता है फुल्ली एग्जेम्प्ट, 5500 का फुल अगर मुझे फोन मिलता है पूरा का पूरा टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल, पूरा 5500, उसमें से 5000 माइनस नहीं करना है, फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट बेनिफिट। इंटरेस्ट बेनिफिट क्या है, लोन गिवन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। हुआ ऐसा, मैं ऐसे सोच रहा था कि बाइक लेनी है, तो मैं और मेरा दोस्त ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे, यार बाइक लेने का सोच रहा हूँ। दूसरे मिला कौन सी लेगा, मैंने कहा अभी तो बुलेट लेनी है मेरे को, तो मुझे 1,25,000 के आसपास कुछ मिल रही है, तो मेरे पास तो 25,000 है, मुझे 1,00,000 का लोन लेना पड़ेगा। तो उसने बोला कहाँ से देखा तूने लोन, देखा है कहीं पर, मैंने कहा हाँ एक एजेंट है मेरा जो मुझे बैंक से लोन करा के देगा, उसने बोला है रेट कुछ 15% का रेट है। जैसे मैं बात कर रहा था बाजू से बॉस जा रहे थे, बॉस ने देख लिया, सुन लिया, बॉस ने इमीडिएटली कैलकुलेशन कर लिया और मुझे केबिन में बुला लिया। मैं गया केबिन में, तो बॉस ने मुझे क्यों बाइक लेने का सोच रहा है, मैंने कहा हाँ सर बाइक लेनी है। कौन सी लेनी है सर, बुलेट लेनी है। बॉस ने सब सुन लिया था फिर भी पूछ रहे, अच्छा तो लोन लेगा ना, कितने का लोन लेगा। मैंने कहा सर 1,00,000 का लोन लूँगा, बैंक से मैंने पूछा है तो 15% का इंटरेस्ट रेट है। तो बॉस ने बोला तू बैंक से क्यों लेता है, मेरे से ले, 10% से दूंगा। अब बॉस ने क्या सोचा, बॉस ने सोचा अगर बॉस उसके पैसे FD में डालेगा तो उसको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 9% का मिलेगा। बॉस ने देखा मुझे, मुझे बोला चल मैं तुझे देता हूँ लोन 10% से। बॉस का फायदा क्या, बॉस को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल गया, मेरा फायदा क्या, मुझे बैंक को 15% देने पड़ सकते थे, अब मैं बॉस को कितना दूंगा 10%, मतलब मेरा 5% का फायदा। इनकम टैक्स मुंह खोल के आ गई, बोलते तेरा फायदा हो गया, टैक्स पे करो, टैक्स पे करो, कितनी लालची इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स ने क्या बोला, तेरा इंटरेस्ट में बेनिफिट हुआ, तुझे 15% देने पड़ सकते थे, अब कितना देगा 10%, 5% का फायदा हुआ, फायदा हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा। अब देखो क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ढूंढेंगे ऐसे, ये सब छोड़ दो, जाने दो, सिंपल चीज मुझे बताओ, 1,00,000 का लोन लेना है, अगर मैं SBI से लूंगा मुझे 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कितना देना पड़ेगा 15,000। 1,00,000 का लोन है, बैंक से लूंगा तो 15,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर मैं बॉस से लूंगा तो कितना परसेंट का, 10% का, मतलब कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10,000। व्हाट इज माय बेनिफिट, 5000, मतलब कितना मैं बैंक को दे सकता हूँ माइनस में कितना एम्प्लॉयर को दूंगा, जो डिफरेंस है ना दैट इज माय बेनिफिट, करेक्ट। अब ये बेनिफिट फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हो या बिना फॉर्मूला भी कॉमन सेंस से आंसर निकाल सकते हो। एक बार हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के बाद हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। अब लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर ₹2,00,000, बॉस ने 2,00,000 रुपए का लोन दिया, कितना दिया 2,00,000 रुपए का, इंटू क्या इंटरेस्ट रेट से दिया 5% इंटरेस्ट रेट, तो इंटू 5%। कब लिया, जुलाई में लिया, एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग, जुलाई में लोन लिया, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स के लिए मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, तो 2,00,000 इंटू 5% इंटू 9/12, इतना इंटरेस्ट मैं किसको पे करने वाला हूँ, इतना इंटरेस्ट मैं पे करने वाला हूँ मेरे एम्प्लॉयर को, करेक्ट। अगर मैं ये सेम लोन SBI से लेता तो कितना परसेंट देना पड़ता, 12%। तो SBI से अगर मैं लोन लेता तो 2,00,000 का लोन इंटू 12%, और इधर भी 9/12, तो इतना इंटरेस्ट में किसको देने वाला था, स्टेट बैंक को। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, स्टेट बैंक को देना है, तो 2,00,000 इंटू 12% इंटू 9/12, सो व्हाट इज माय आंसर, 18,000। 18,000 का इंटरेस्ट मुझे SBI को देने की नौबत आ सकती थी, बट अब मैंने क्या किया, बॉस से लोन लिया है। अब बॉस से लोन लिया, 2,00,000 इंटू 5% इंटू 9/12, तो कितना आ रहा है 7,500। अब बॉस को मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा, व्हाट इज माय बेनिफिट, माय बेनिफिट इज 10,500, 10,500 की मेरी बचत हो गई, इस बचत पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अब पता है ये तो बहुत लंबा हो गया, अब मैं इसको कॉमन निकालूं, मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ,
दो लाख, इसको भी कॉमन निकाल सकता हूँ 9/12, इसको क्या करूँगा 12-5%, तो ये क्या हो गया 2 लाख, मतलब लोन अमाउंट इंटू SBI रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट, SBI रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट, तो मुझे पता चलेगा कितना परसेंट का मेरा फायदा हो रहा है, इंटू ड्यूरेशन, तो मैंने क्या किया लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट का फायदा इंटू ड्यूरेशन, तो डायरेक्ट आंसर मैजिक, तुम लोग ऐसे सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब ये फॉर्मूला से देखते हैं, ये देखो फॉर्मूला इधर लिखा है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, लोन अमाउंट इंटू SBI रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट इंटू ड्यूरेशन, तो इंटरेस्ट बेनिफिट क्या है, लोन अमाउंट इज 2 लाख इंटू SBI रेट कितना है, SBI रेट इज 12% माइनस एम्प्लॉयर रेट इज 5% करेक्ट, इंटू ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन कितना है 9/12, ये सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 10,500, सो व्हाट इज माय बेनिफिट 10,500 इज माय बेनिफिट करेक्ट। अब ये कितने परक्विजिट अपने हो गए, 7 हो गए। आठवा देखो, प्रीमियम्स पेड बाय एम्प्लॉयर, अब दिस इज इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार ये पूछ चुके हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट, और मैंने जितने भी पेपर देखे आज तक हर पेपर में ये एक तो आता ही है। अब देखो प्रीमियम्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने प्रीमियम पे किया, फॉर एग्जाम्पल सैलरी में से बाहर आ जाओ, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे बॉस ने ये सैलरी दी, सैलरी मैंने जेब में रख दी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए इनकम फ्रॉम सैलरी करेक्ट, मेरे सैलरी के पैसे मैंने निकाले और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अच्छा खर्चा है, याद है ATC नाम का एक हमने डिडक्शन किया था, जहाँ पे अगर मैं मेरे जेब से पैसे निकाल के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूँ तो उसका मुझे टैक्स में बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC मिलता है करेक्ट। फिर से एक बार देख लो, ये मुझे बॉस ने सैलरी दी, ये क्या है, दिस इज माई टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि बॉस ने मुझे दी मैंने जेब में रख दिया, अब ये पैसे उठा के मैंने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो मुझे इतने का डिडक्शन भी मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, तो इसमें दो चीज़ें हो गई, पहले तो ये चीज़ टैक्सेबल मेरी इनकम में ऐड कर दी, और वो चीज़ हटा के मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसके लिए डिडक्शन भी मिल गया। अब सीन क्या हो रहा है पता है, बॉस बोलता है कि अरे भाई मैं तुझे दूंगा फिर तू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, काम करता है मैं डायरेक्ट प्रीमियम पे कर लेता हूँ, तो बॉस ने डायरेक्ट प्रीमियम पे कर लिया। अब हुआ क्या, मेरा फायदा क्या हुआ, जब भी ये अमाउंट मेरे जेब में आती तो मैं मेरे जेब से भरने वाला था, अब बॉस ने डायरेक्ट भर दिया, बट बात तो एक ही है, मेरा प्रीमियम पे किया है, इसका फायदा किसको मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है, तो इनकम टैक्स ने क्या बोला, पहले तो बॉस ने जो प्रीमियम पे किया है दैट इज योर बेनिफिट करेक्ट, वो तेरा पर्सनल फायदा हो गया, तो बॉस ने जो अमाउंट पे किया है वो तेरे सैलरी में ऐड कर ले, इट इज टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, जितना अमाउंट बॉस ने पे किया है पूरा का पूरा टैक्सेबल। अब मैं बोलूंगा सर बॉस ने पे किया है सैलरी में ऐड तो कर लिया, बट गया किधर है, LIC के पास, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में मेरी पॉलिसी हुई है तो उसका मुझे डिडक्शन भी मिलना चाहिए, इनकम टैक्स ने बोला ओके, तो फुल्ली टैक्सेबल तो कर दिया, एंड एम्प्लॉय विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, मतलब पहले तो ये पूरा अमाउंट उसके सैलरी में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, बाकी सारे हेड्स हो गए, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा और एंड में 80C में इसका फायदा मिलेगा, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते टाइम इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, सैलरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचने का नहीं है, बट जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उस टाइम पे अपने को दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, पहला इफेक्ट फुल्ली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, दूसरा इफेक्ट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में 80C का फायदा मिलेगा ठीक है। अब ये सेम टू सेम प्रोविजन ना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी होनी चाहिए थी, क्या होता है सैलरी में से बाहर आ जाओ, ये बॉस ने मुझे सैलरी दी मैंने जेब में रख दी, दिस इज माई इनकम फ्रॉम सैलरी, ये पैसे उठा के मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ये क्या है इसका मुझे 80D में फ़ायदा मिलना चाहिए, ये मेरी सैलरी टैक्सेबल और उसका 80D में फ़ायदा मिलना चाहिए क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। बट क्या हुआ पता है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर अलग थे, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर अलग थे, इन्होंने कुछ और सोचा, एक ही चीज़ हो रही है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं और मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास पैसे आ रहे हैं मेरे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूँ, सेम चीज़ हो रही है, बॉस ने लाइफ इंश्योरेंस पे कर दिया, बॉस ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर दिया, कुछ भी फर्क नहीं है, ट्रीटमेंट भी सेम होना चाहिए था बट ट्रीटमेंट सेम नहीं है। अब लॉजिक क्या है, तो दोनों फाइनेंस मिनिस्टर अलग थे, दोनों ने अलग अलग सोचा, एक ने सोचा पहले ऐड करो फिर उसका डिडक्शन दो, दूसरे ने सोचा काय को ऐड कर रहे हो, एग्जेम्प्ट ही कर लो, डिडक्शन भी मत दो, इग्नोर ही कर दो, बात ही खत्म कर दो, तो जब भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बॉस पे करेगा इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट
ऐड ही नहीं करेंगे। एंड नीचे क्या दिया है, नो डिडक्शन, डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। पहले तो ऐड भी नहीं करेंगे और डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, किसी भी सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इट इज ऑलरेडी फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर से एक बार देख लो, सिंपल चीज़ है, बॉस ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, फुल्ली टैक्सेबल, ऐड कर लो, डिडक्शन भी मिलेगा। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फुल्ली एग्जेम्प्ट, ऐड ही मत करो, डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल। तो अपना नेक्स्ट परक्विजिट क्या है, लीव ट्रैवल एक्सपेंसेस पेड रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। हे भगवान, ये देखो क्या हो रहा है, इतना अच्छा बॉस, बॉस मेरे को घूमने भेज रहा है, बोलता है जा तू पिकनिक करके आ, घूम के आ, मजे करके आ, तेरा पैसा मैं पे करूंगा। मतलब क्या हद हो गई, इतना अच्छा बॉस। बॉस ने क्या किया, लीव ट्रैवल एक्सपेंसेस पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। ये भी कैलकुलेट करने का बहुत भयानक भयानक तरीका होता है, बट अपने सिलेबस में वो है नहीं, अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट ब्रैकेट में देंगे। कैसे देंगे, लीव ट्रैवल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में देंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट 50,000। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 50,000 आउटर कॉलम में। तो ये भी बात सिंपल हो गई, लीव ट्रैवल एक्सपेंसेस पेड या रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल वैल्यू एज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो अमाउंट दी है दैट इज माई टैक्सेबल वैल्यू। अब सारे परक्विजिट हो गए हैं, अच्छे से फिर से एक बार सारे देख लो और कॉपी कर लेना। इसके बाद हम लोग परक्विजिट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमने अलावेंसेस भी कर लिए, परक्विजिट भी कर लिए, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पास आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर आनंद इज अ जनरल मैनेजर। मिला क्या, देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर आनंद इज अ जनरल मैनेजर ऑफ आर्यन लिमिटेड। ये वो आर्यन लिमिटेड में काम करता है, जनरल मैनेजर। अपने कुछ फर्क पड़ता है क्या? यस पड़ता है। उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, मतलब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ अपने को पता है, आगे का मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ही प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ कंप्यूटेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हिज सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर। ठीक है, कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 16-17। ओके, असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए हम लोग क्या ढूंढने वाले, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी ढूंढने वाले। अब ये कुछ अजीब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 अगस्त 2015। ओके, मतलब उसके पहले अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त, 5 महीने के लिए बेसिक सैलरी 8,000 थी और डीएनएस अलाउंस 800 पर मंथ था।
फिर उसका इंक्रीमेंट हो गया. इंक्रीमेंट कब से हो गया? फ्रॉम 1st सितंबर 2015 टू 31st मार्च 2016. बेसिक सैलरी कितनी है? 10,000 हो गई. पहले जो 8,000 थी वो 10,000 हो गई. और डीएनएस अलाउंस जो पहले 800 था अब कितना हो गया? 1000. सर आपको 1000 कैसे समझा? देखो ऊपर दिया है बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, तो उसका 10% डीएनएस अलाउंस, तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1000. तो उसका डीएनएस अलाउंस है 1000. आगे क्या बोला है? हाउस रेंट अलाउंस 800 पर मंथ. हे भगवान प्लीज ब्रैकेट में एग्जेम्प्ट अमाउंट मिल जाए. और भगवान ने हमारी सुन ली. ब्रैकेट में क्या मिल गया? एग्जेम्प्ट अमाउंट. ओके, तो इधर कुछ वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 300 पर मंथ एग्जेम्प्ट कर लेंगे. आगे क्या बोला है? मोटर कार अलाउंस. बॉस ने मोटर कार अलाउंस दिया. ए अलाउंस, अलाउंस और परक्विजिट में फर्क होता है, ठीक है. अब इधर क्या है? मोटर कार अलाउंस 1000 पर मंथ, स्पेंट फॉर ऑफिस पर्पज 6800. पहले याद करो अलाउंस, मोटर कार अलाउंस किस कैटेगरी में आता है? टीसी उधर है नहीं, टीईएच नहीं, एच नहीं, मतलब फोर्थ कैटेगरी. फोर्थ कैटेगरी का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा टैक्सेबल. अब क्या हो गया है? मोटर कार अलाउंस तो मिल गया. अब भले ही उसने ऑफिस पर्पज के लिए यूज किया है बट उससे फर्क नहीं पड़ता. इनकम टैक्स ने क्या बोला है? फोर्थ कैटेगरी का अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल, ठीक है. तो 1000 पर मंथ इंटू 12 करके डायरेक्ट आउटर कॉलम, स्पेंट अमाउंट इग्नोर करनी है. तो उधर ना छोटा सा क्रॉस कर दो, ये अपने कुछ काम का नहीं है. स्पेंट फॉर ऑफिस पर्पज 6800 क्रॉस नहीं है काम का. नेक्स्ट क्या दिया है? सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर 800 पर मंथ. मतलब इनके घर पे काम वाली भाई आती है जिसको 800 पर मंथ रुपए पे करना पड़ता है. बॉस ने बोला तू क्यों पे करता है? मैं पे करता हूँ. अब बॉस ने 800 पर मंथ पे कर दिया, तो सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर 800 पर मंथ. मुझे बताओ एम्प्लॉय का बेनिफिट कितना हो रहा है? जितनी सैलरी वो खुद एम्प्लॉय को पे, मतलब खुद काम वाली भाई को पे करने वाला था, अब वो पे नहीं करेगा, उसने बॉस ने पे कर दिया. कितना पे कर दिया? 800 पर मंथ, मतलब 9600. तो अपने मिस्टर आनंद का फायदा कितना हुआ? जितना अमाउंट बॉस ने पे किया उतना फायदा, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर. 1,00,000 रुपए का उसने लोन लिया फॉर सन्स मैरिज, बेटे के शादी के लिए उसने लोन लिया. कब लिया? 1st अक्टूबर 2015, ठीक है. तो 1st अक्टूबर 2015 में उसने लोन लिया 3% इंटरेस्ट से. अगर वो SBI से लेता तो 8% देना पड़ता. मुझे बताओ बॉस ने 3% से दिया, SBI 8% लेने वाली थी, व्हाट इज माय बेनिफिट? 5%. 5% का मेरा सेविंग हो गया, उतना इंटरेस्ट मेरा बच गया. इनकम टैक्स वाले मुंह उठा के आगे बोलते चलो टैक्स पे करो, फायदा हो गया टैक्स पे करो. अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा. अब 1,00,000 पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1,00,000 इनटू डिफरेंस 5% इनटू ड्यूरेशन. तो 1,00,000 इनटू 5% इनटू 6/12, करेक्ट. अक्टूबर में लोन लिया ना, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना. यहाँ से पता चलेगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी है. हॉस्टल अलाउंस ₹400 पर मंथ. ओके, दो बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउंस मिला, कितना एग्जेम कर सकते हैं? 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम दो बच्चे. अब इधर कितना मिल रहा है? हॉस्टल अलाउंस ₹400 पर मंथ फॉर टू चिल्ड्रन मिल रहा है. तो 400 इंटू 12 इंटू 2 इतना अलाउंस मिल रहा है. बट एग्जेम कितना करेंगे? 300 इंटू 12 इंटू 2, करेक्ट. आगे क्या दिए? मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर. बॉस ने मेडिकल बिल्स के पैसे दिए. कितने दिए? 22,000 दिए. इनकम टैक्स क्या बोलता है? 15,000 तक एग्जेम, 15,000 के आगे जाएगा तो एक्स्ट्रा लाड़ प्यार हो रहे. लाड़ प्यार लिमिट में होनी चाहिए. 15,000 तक अगर बॉस देता तो हम लोग टैक्स नहीं मांगने वाले थे. 15,000 से ज्यादा मिला अब हम लोग टैक्स मांगेंगे. कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स मांगेंगे? 7,000. सो व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू? 22,000 माइनस 15,000, 7,000 टैक्सेबल. नेक्स्ट क्या दिया? लास्ट, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड फ्री फर्निश्ड हाउस टू यूज. बॉस ने ना घर दिया, और वो भी सादा सुधा घर नहीं दिया, फर्निश्ड घर दिया. घर में फर्नीचर भी है, इतना सारा फर्नीचर के साथ अगर उसने घर दिया है तो एम्प्लॉय का फायदा हो रहा है. अभी फायदा ढूंढेंगे कैसे? अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल पे ब्रैकेट मिलता है. देखो आगे ब्रैकेट दिया है, परक्विजिट वैल्यू 90,000. इसका मतलब क्या है? जितना भी उसका फायदा हुआ है इनकम टैक्स के हिसाब से 90,000 का फायदा हुआ है. अब क्या करेंगे? फ्री यूज ऑफ हाउस, टैक्सेबल वैल्यू कितना? 90,000. डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 90,000. बात खत्म, झंझट सॉल्व. कंप्यूट सैलरी इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 16-17. ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं सारा क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लूँगा. तो मैं हो गया हूँ रेडी मेरे सॉल्यूशन के साथ. देख लो एक बार क्या लिखा मैंने. ग्रॉस बेसिक सैलरी 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी. एक बार पहले कम थी, फिर उसका इंक्रीमेंट हुआ, तो टोटल मिला के 1,10,000. डीएनएस अलाउंस भी सेम, पहले 800 था, फिर 10% हुआ, टोटल 11,000. हाउस रेंट अलाउंस 9,600 मिला. वर्किंग नोट करना पड़ता है बट यहाँ पे जरूरत नहीं, उन्होंने खुद से दिया कितना एग्जाम, तो उतना हमने माइनस कर दिया. और एक सीक्रेट बताऊँ, हमेशा तुम्हारे एग्जाम में
एग्जम्प्ट अमाउंट ब्रैकेट में ही दी होगी, वो एचआरए का वर्किंग नोट नहीं करना पड़ता, बट फिर भी हमने सीख लिया अगर तुम्हारा नसीब खराब और आ गया तो क्या करेंगे, तो अपने को सब आता है। मोटर कार अलाउंस 1000 पर मंथ डायरेक्ट टैक्सेबल, स्पेंट अमाउंट इग्नोर्ड, अपने को नहीं चाहिए। सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर कितनी पे की, 800 पे की, 800 × 12 9600 मुझे पे करना पड़ता बट अब मैं पे नहीं करूंगा तो दैट इज माई बेनिफिट। फिर इंटरेस्ट बेनिफिट कैसा है, 1 लाख का लोन लिया, दिस इज डिफरेंस SBI रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट, और 6 महीने के लिए लोन था तो 1 lakh × 5% × 6/12 आ गया 2500। फिर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस वो कितना मिला, 400 × 12 दो बच्चों के लिए मिला, 9600 टोटल मिला। इनकम टैक्स वाले हर अमाउंट पे टैक्स नहीं मांग रहे, उसमें से थोड़ा माइनस करने की परमिशन है, कितना माइनस कर सकते हैं, 300 पर मंथ दो बच्चों के लिए, 7200 माइनस करेंगे, 2400 इज टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, मेडिकल बिल्स रीइंबर्समेंट, हमारा बॉस इतना अच्छा है कि उसने मेडिकल का खर्चा भी अपने को दे दिया, तो कितना दिया, 22000 दिया, उसमें से एग्जाम कितना होगा 15000, बाकी का 7000 टैक्सेबल। अब ये ना जगह मुझे कम पड़ गई, इसके लिए मुझे इधर आना पड़ा। अब ये फ्री यूज ऑफ फर्निश्ड हाउस, बॉस ने क्या किया, फ्री में घर दिया यूज करने के लिए, फर्निश्ड हाउस फ्री में घर दे दिया फर्नीचर के साथ, तो व्हाट इज माय टैक्सेबल वैल्यू, 90000। ये कैसे डिसाइड हुई, इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से डिसाइड हुई, अभी अपने को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में पता है क्या क्या देखना पड़ता है, उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए, अदरवाइज कितना होना चाहिए, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बट ग्रेजुएशन लेवल पे वो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी ग्रॉस सैलरी, वो कितनी है, 2,15,500, दिस इज माई ग्रॉस सैलरी, उसमें से क्या माइनस करूंगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, एंटरटेनमेंट अलाउंस डैश, प्रोफेशन टैक्स कुछ नहीं दिया है छोड़ दो, तो व्हाट इज माई इनकम फ्रॉम सैलरी, 2,50,500, खत्म। तो परक्विजिट के ऊपर एक अच्छा खासा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, तो अपने 9 परक्विजिट्स हो गए और उसका एक क्वेश्चन भी हो गया, एक परक्विजिट लिखना मैं भूल गया, वो पता है क्या है, अपना बॉस इतना दिलदार है, बोलते हैं तुम लोग आओ काम करो, तुम लोग को खाना भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा, फूड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, वाओ, मतलब खाना भी बॉस दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्री फूड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो देखेंगे क्या प्रोवाइड हो रहा है, लंच मिल रहा है कि समोसा और चाय नाश्ता, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मिल रही है। अगर समोसे चाय, अगर कटिंग चाय इतना बॉस देगा, इनकम टैक्स उसका वैल्यू ढूंढ के उस पर टैक्स मांगने लगेगा तो पागल हो जाएंगे, मतलब इतनी चिंदीगिरी नहीं करनी चाहिए। तो इनकम टैक्स को ये बात समझी, इनकम टैक्स ने बोला अगर तुम्हारे बॉस ने फ्री समोसे चाय नाश्ता बटाटा वड़ा ऐसा कुछ दिया तो फिर उस पर हम लोग टैक्स नहीं मांगेंगे, इट इज़ फुली एग्जम्प्ट। हाँ, बट लंच दिया तो फिर ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार हो रहा है, लंच भी दे रहा है बॉस। अगर बॉस ने लंच दिया, इनकम टैक्स ने बोला एग्जेम्प्ट ओनली इफ वैल्यू अप टू 50 पर मील, तो अगर 50 रुपए तक मील की वैल्यू है तो एग्जेम्प्ट, नहीं तो टैक्सेबल, ठीक है। तो जल्दी से ये वाला पार्ट, वो 9 परक्विजिट के बाद अगर जगह होगी वहां पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे नोट नंबर 6। ओके, तो अपने 4 नोट हो गए, पहला नोट क्या था, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, दूसरा नोट क्या था, ग्रॉस बेसिक सैलरी, तीसरा क्या था, अलाउंसेस, फोर्थ परक्विजिट, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नोट हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, वो क्या था, तो वो था रिटायरमेंट बेनिफिट, बट आज उतना टाइम नहीं है तो ये टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 6 चालू करेंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, खत्म भी हो गया नोट नंबर 6। अब देखो कैसा है, अदर बेनिफिट्स में क्या है, बोनस टैक्सेबल, कमीशन टैक्सेबल, एरियर्स टैक्सेबल, एक्स ग्रेशिया टैक्सेबल,
एडवांस सैलरी टैक्सेबल, मतलब मैंने बहुत से एडवांस में सैलरी ली तो भी टैक्सेबल. एनी अदर बेनिफिट रिसीट फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले टैक्सेबल. झंझट ही नहीं, सारा का सारा टैक्सेबल. अच्छा ये देखो, ये एक नोट थोड़ा समझने लायक एडवांस सैलरी के लिए. लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर मैंने बॉस से लोन लिया है तो वो लोन मुझे रीपे करना पड़ेगा, करेक्ट? ये मैंने पैसे लिए और ये लोन रीपे कर दिया, मेरा बेनिफिट क्या है? कुछ भी नहीं है. इसमें फायदा कहाँ पे होता है? अगर बॉस ने मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया है तो मेरा फायदा शुरू हो जाता है. कैसे शुरू होगा? SBI अगर मुझे लोन देगा तो सपोज 15% पे, बॉस ने मुझे लोन दिया सपोज 5% पे, व्हाट इज माई बेनिफिट? 10%. ये टैक्सेबल लोन अमाउंट जो मैं लूंगा दैट इज नॉट माई इनकम, तो उसको मैं ऐड कर ही नहीं सकता. इसका मतलब क्या? लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज नॉट एन इनकम, देयरफॉर इग्नोर. ओनली इंटरेस्ट बेनिफिट इज टैक्सेबल, ठीक है? एडवांस अगेंस्ट सैलरी, अगर क्वेश्चन में दिया है एडवांस सैलरी, मतलब मैंने सैलरी एडवांस में ले ली, अब ये रीपे नहीं करना है, एडवांस सैलरी टैक्सेबल. बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी मतलब लोन, मतलब मेरी सैलरी गिरवी रख के मैंने लोन लिया है, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी मीन्स लोन, देयरफॉर इग्नोर. तो हम क्या करेंगे, नोट नंबर 6 लिख दो, इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे और बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो जल्दी से कॉपी कर लो. ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 11. तो क्वेश्चन 11 जरा देख लो. मिस्टर दुबे इज एम्प्लॉयड एज अ लेक्चरर इन मॉडर्न कॉलेज. वो मॉडर्न कॉलेज में लेक्चरर है, उससे अपने कुछ फर्क पड़ता है क्या? यस, उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. ही फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016. ओके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी है? ग्रॉस बेसिक सैलरी रिसीव्ड. तो ग्रॉस बेसिक सैलरी कितनी मिली? 30,000 पर मंथ, ठीक है. आगे क्या दिया? रेंट फ्री बंगलो, उसके बॉस ने उसको बंगला दे दिया रहने के लिए. अब ये ढूंढेंगे कैसे? तो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, बट ग्रेजुएशन लेवल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में दिया होगा. देखो दिया कितना दिया, परक्विजिट वैल्यू 5,000 पर मंथ, ठीक है, बात खत्म हो गई. लीव सैलरी रिसीव्ड, मैं छुट्टी पे गया उसकी भी मुझे सैलरी मिली, तो एनी अदर बेनिफिट टैक्सेबल. फिर क्या है? बोनस मिला, बोनस 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 टैक्सेबल. ओके, आगे क्या मिला? एरियर्स ऑफ सैलरी मिली, एरियर्स भी मिले अगर तो भी टैक्सेबल. प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड, अच्छा ये तो डिडक्ट हुआ है तो उसका डिडक्शन में हम लोग लिखेंगे. अगर नेट बेसिक सैलरी दी होती तो ग्रॉस ढूंढने के लिए ऐड करना पड़ता, बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्रॉस दिया है तो झंझट सॉल्व. फिर नेक्स्ट क्या है? एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन एनी अदर बेनिफिट. अच्छा सुनो, एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन किसी और क्लासेस से या और कॉलेज से मिले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, बट बॉस ने दिया तो इनकम फ्रॉम सैलरी. अब यहाँ पे क्या दिया है? एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन. तो क्वेश्चन देख के तो यही लग रहा है कि ये मॉडर्न कॉलेज में जॉब करता है और उसको एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन कॉलेज ने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी. फिर से एक बार देख लो, ग्रॉस बेसिक सैलरी टैक्सेबल, रेंट फ्री बंगलो 5,000 पर मंथ टैक्सेबल, लीव सैलरी टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल, एरियर्स टैक्सेबल, इन सबकी, और नीचे दिया एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन वो भी टैक्सेबल. फिर सबकी टोटल करेंगे क्या आएगा? ग्रॉस सैलरी में से क्या माइनस करना है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, डैश है ही नहीं. फिर प्रोफेशन टैक्स, जितना उन्होंने दिया है उतना माइनस करके क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, खत्म. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ चुका है. कितने मार्क्स के लिए पता है? 8 मार्क के लिए. तो 8 मार्क का इतना सिंपल क्वेश्चन, चलो एक बार खुद ट्राई कर लो, तब तक मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, फिर टैली करेंगे किसका करेक्ट है. ओके, तो जल्दी से वीडियो पॉज कर लो. ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व करके हो गया, अब देख लो एक बार टैली कर लो. आई होप सबका आंसर यही आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही है. इसमें क्या आ गया? ग्रॉस बेसिक सैलरी 30,000 × 12, रेंट फ्री बंगलो उन्होंने दिया है 5,000 पर मंथ 12, फिर लीव सैलरी टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल, एरियर्स टैक्सेबल, एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन सब टैक्सेबल, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं. तो व्हाट इज माय ग्रॉस सैलरी? 6,22,500. ये क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी. इसमें से क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, एंटरटेनमेंट अलाउंस, डैश है ही नहीं. प्रोफेशन टैक्स, जितना क्वेश्चन में दिया है उतना, वो माइनस करने के बाद क्या आ गया? इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है. तो आज हम लोग यही रुकेंगे, अब तक हमारा क्या क्या हो गया है? एक ही चीज़ बाकी है, वो क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट.
तो अगले टाइम हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। अब तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ। नहीं सर होमवर्क मत दो। नहीं होमवर्क देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 रमेश, ये रमेश वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा तुम लोग सॉल्व करने वाले हो। नेक्स्ट टाइम आके सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है? बट प्लीज़ एक बार ट्राई कर लो, चीटिंग मत करना। तो बाय बाय।